सबसे ज्यादा देखे जाने वाले चैनल जी राजस्थान पर मैं आपके साथ हार्दिक दवे। और चलिए जयपुर से आ रही खबर का रुख कर लेते हैं। वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले सख्ती बढ़ा दी गई है, टारगेट पूरा करने के लिए ये सख्ती है। नगर निगम ग्रेटर और नगर निगम हेरिटेज प्रशासन ने अपने काम में सख्ती ले आई है। यूडी टैक्स बकायादारों की संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं और जोन वाइज बकायादारों को नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं कि अगर यूडी टैक्स नहीं जमा किया गया, 10 लाख से लेकर 10 करोड़ से ज्यादा के बकाया हैं टैक्सेस और ये टैक्स जमा करवाए जाएं। और जोन वाइज लोगों को अब नोटिस दिए जा रहे हैं कि उन्हें समय रहते अपना बकाया शुल्क भरना होगा। मेरे सहयोगी दीपक गोयल मेरे साथ जुड़ गए, सीधे दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले सख्ती बढ़ गई है दोनों ही नगर निगम प्रशासन में, सख्ती किस लिहाज से बढ़ी है, यानी कि क्या हो रहा है ग्राउंड पर, किस तरह का एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने में एक सप्ताह भी अब नहीं बचा है जी। नगर निगम पिछले साल वित्तीय वर्ष के मुकाबले ज्यादा वसूल किया जाए और खजाना भर सके निगम का, क्योंकि वित्तीय निगम की जो बेसिक जो आय है वो यूडी टैक्स है या विज्ञापन शुल्क है या पार्किंग से होती है। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा जो बकायेदार हैं उन तक निगम प्रशासन पहुंचे, उनकी संपत्तियों को कुर्की की कार्रवाई है वो बदस्तूर है, वो जारी है। अब यहाँ पर सख्ती ज्यादा बरतना शुरू कर दिया है क्योंकि 31 मार्च डेडलाइन है। 31 मार्च से पहले पहले यहाँ पर जो संपत्तियां हैं उनको फिर किया जा रहा है। 308 से ज्यादा जो नोटिस है कुर्की के नगर निगम ग्रेटर प्रशासन ने जारी कर दिए, क्योंकि 2022-23 की यदि हम बात करें तो 2022-23 में कह सकते हैं कि 67 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है वो कलेक्शन हुआ था नगर निगम ग्रेटर प्रशासन का। और अब तक यदि हम माने, क्योंकि अभी देखिए 3 दिन का हॉलीडे आ गया था, तो करीब 66 करोड़ से ज्यादा नगर निगम ने अपना रेवेन्यू वसूल लिया। नगर निगम मानता है कि यदि हम ज्यादा कह सकते हैं कि हमारी टीमें लगाएंगे फील्ड के अंदर तो इस जो टारगेट था जो पिछले वित्तीय वर्ष का उसको हम अचीव कर पाएंगे, उससे ज्यादा हम वसूल कर पाएंगे। तो ऐसे में क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है, यदि हम माने कि कई ऐसे बकायेदार हैं जिनके ऊपर करोड़ों रुपए यहाँ पर बकाया है, जिसमें कह सकते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड पार्क है उसमें 3 करोड़ रुपए बकाया है, भारतीय विद्या आश्रम है 2 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है, बल्दिया कंस्ट्रक्शन है 1 करोड़ से ज्यादा बकाया है, सेंट जोसेफ पीजी कॉलेज है उस पर 47 लाख से ज्यादा बकाया है। कई ऐसे बड़े बकायेदार हैं। इतना ही नहीं, जो सरकारी जो बकायेदार हैं, जो सरकारी कह सकते हैं कि एजेंसियां हैं, जो जैसे चाहे भले ही वो पोलो क्लब हो, चाहे आरसीओ हो, या कह सकते हैं सवाई मानसिंह स्टेडियम हो, आरयूएचएस यूनिवर्सिटी हो, या मेडिकल कॉलेज हो, राजस्थान परिवहन निगम मुख्यालय हो, तो इन पर भी 10-10 करोड़ रुपए बकाया चल रहे हैं। यदि ये रेवेन्यू आ जाता है तो नगर निगम का खजाना छलकता हुआ आपको यहाँ पर नजर आएगा, क्योंकि ये बकाया सालों से चलते आ रहे हैं। हर साल नगर निगम सरकारी एजेंसियों के एचओडी को लेटर तो लिखता है, लेकिन मामला उलझता हुआ यहाँ पर नजर आता है। कई बार वो बिजली कंपनियां कह सकते हैं कि बिजली विभाग है उनको नोटिस देता है कुर्की का, और कई बार ऐसा होता है कि आपस में टकराव ऐसा होता है कि बिजली के बिल नहीं भरे जाते तो वो नगर निगम के कलेक्शन काट देता है। तो ऐसी स्थिति भी, टकराव वाली स्थिति भी आ जाती है, तो आपसी एचओडी को लेटर तो लिखा जाता है लेकिन वसूली कम हो पाती है। यदि सरकारी महकमे यदि यूडी जो बकाया है वो यदि जमा करा दे तो नगर निगम का खजाने में इजाफा हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इन तमाम जानकारियों के लिए जो आपने साझा की।